हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है ग्रीन केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा क्लास 11th की केमिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं ग्रीन केमिस्ट्री होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ग्रीन केमिस्ट्री भी हमारी एक तरीके की केमिस्ट्री होती है जिसका मेन एम ये होता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को और प्रोसेस को डिज़ाइन करें जिन्हें बनाने के लिए कम से कम केमिकल इस्तेमाल हो और वो कम से कम ही केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस करें। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ग्रीन केमिस्ट्री हमारी एक तरीके की केमिस्ट्री होती है जिसका मकसद ये होता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को और प्रोसेसेस को डिज़ाइन करें, मतलब बनाए ऐसे प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बनाए जिन्हें बनाने के लिए कम से कम केमिकल इस्तेमाल हो और वो कम से कम ही केमिकल वेस्ट को प्रोड्यूस करें। क्योंकि ये बात आप सब जानते हो कि केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, उनसे पूरा पॉल्यूशन होता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का मकसद यही है कि वो ऐसी चीज़ें बनाएं जिन्हें बनाने के लिए केमिकल्स भी कम इस्तेमाल हो और वो केमिकल वेस्ट भी प्रोड्यूस कम से कम करें या ना के बराबर करें। ठीक है, तो ये हमारा ग्रीन केमिस्ट्री का मेन एम है। मैं लिख देता हूँ, इसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। ग्रीन केमिस्ट्री इज एन एरिया ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग फोकस ऑन द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट मिनिमाइज द यूज एंड जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप जो मैंने आपको इसके बारे में बताया ग्रीन केमिस्ट्री में के बारे में वो आपको क्लियर हुआ होगा। ये उसकी डेफिनेशन है ग्रीन केमिस्ट्री की। और मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रीन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 2-3 मार्क्स में हर बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मार्क्स भी कर देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-3 मार्क्स में शॉर्ट नोट लिखने के लिए हर बार आता है ग्रीन केमिस्ट्री पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोल रहा हूँ, तो इसे आप इसे ध्यान से समझिएगा और एग्जाम में कन्फर्म आते ही आता है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, ग्रीन केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी बोलते हैं, आपकी बात पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ग्रीन केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड सस्टेनेबल केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, सस्टेनेबल का मतलब आप सब जानते हो, विदाउट हार्मिंग द नेचर, मतलब हम ऐसी चीजें बनाए जिसका हमारे नेचर को से कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारे नेचर को कोई नुकसान ना हो। ठीक है ना, ये बात मैं लिख भी देता हूँ, इससे आपको पता रहे। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है विदाउट हार्मिंग द नेचर, सस्टेनेबल मीन्स विदाउट हार्मिंग द नेचर, मतलब बिना हम वातावरण को नुकसान पहुंचाए। ठीक है ना, तो यहाँ सस्टेनेबल का मतलब होता है।
अब फ्रेंड्स मैं आपको तीन मेन डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा ग्रीन केमिस्ट्री की, जो ग्रीन केमिस्ट्री में तीन मेन डेवलपमेंट हुई हैं और ये तीनों डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डेवलपमेंट की। फर्स्ट डेवलपमेंट हमारी ये है कि ग्रीन केमिस्ट्री में सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है ग्रीन सॉल्वेंट की तरह। आपको पता होना चाहिए ग्रीन केमिस्ट्री में सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है एज अ ग्रीन सॉल्वेंट, मतलब ग्रीन सॉल्वेंट की के लिए वहाँ पे सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसका हमारा फर्स्ट मेन डेवलपमेंट है, इसकी फर्स्ट मेन डेवलपमेंट है, ठीक है ना, ये की डेवलपमेंट आप बोल सकते हो। और ये जो मैं आपको तीनों डेवलपमेंट लिखूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में भी लिखने के लिए आ सकती है, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया उसमें वर्ड्स में लिख दिया, यूज ऑफ सल्फर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रेंड वो सल्फर नहीं सॉरी सुपर है, मुझसे बाय मिस्टेक सल्फर निकल गया, उसके लिए एक्सटिमुलेट सॉरी फ्रेंड ये सुपर है, क्या है हमारे सुपर है फ्रेंड, वो बाय मिस्टेक मुझसे सल्फर निकल गया, उसके लिए एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फ्रेंड, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। सो यूज ऑफ सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ग्रीन सॉल्वेंट। अब हम बात करते हैं फ्रेंड सेकेंड डेवलपमेंट की। फ्रेंड सेकेंड डेवलपमेंट हमारी ये है कि ग्रीन केमिस्ट्री में एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ की जाती है तीन ऑक्सीडेशन के लिए। ग्रीन केमिस्ट्री में एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ की जाती है तीन ऑक्सीडेशन के लिए। अब फ्रेंड वहाँ पे सोचोगे कि क्लीन ऑक्सीडेशन होता क्या है, फ्रेंड जितने भी हमारे क्लीनिंग के प्रोसेस होते हैं ना, जैसे ड्राई क्लीनिंग हो गया, ब्लीचिंग ऑफ पेपर हो गया, इन सब में हमारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ की जाती है, समझ आ गया आपको। जितने भी हमारे क्लीनिंग प्रोसेस होते हैं जैसे ड्राई क्लीनिंग हो गया, ब्लीचिंग ऑफ पेपर हो गया, इन सब में हमारी क्या यूज़ की जाती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो भी एक्वस फॉर्म में। तो इसके हमारी सेकेंड की आगे डेवलपमेंट की। तो ये आ गया हमारा सेकंड की डेवलपमेंट, यूज ऑफ एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर क्लीन ऑक्सीडेशन, ओके। अब फिर हम बात करते हैं थर्ड डेवलपमेंट की। फ्रेंड थर्ड डेवलपमेंट है हमारी यूज ऑफ हाइड्रोजन इन एसिमेट्रिक सिंथेसिस। अब आप ये सोचोगे कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है। फ्रेंड एसिमेट्रिक सिंथेसिस हमारा मेथड होता है जिसमें केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए हाइड्रोजन यूज की जाती है, क्योंकि आप ये सब जानते हो हाइड्रोजन हमारा लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है, वो बिल्कुल ही पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है ना, ये बात आप सब जानते हो। तो केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए जो मेथड यूज होते हैं उसमें क्या चीज यूज की जाती है, हमारी हाइड्रोजन यूज की जाती है। ठीक है फिर हमारी थर्ड डेवलपमेंट आ गई, यूज ऑफ हाइड्रोजन इन एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब आपको पता चल गया होगा कि जो मेथड होता है केमिकल कंपाउंड को बनाने का उसे हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोलते हैं, मतलब केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए भी हमारी हाइड्रोजन यूज की जाती है ग्रीन केमिस्ट्री में। तो ये हमारी तीन की डेवलपमेंट है ग्रीन केमिस्ट्री में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है हमेशा। वैसे टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बाबा बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 2-3 मार्क्स में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन केमिस्ट्री। तो आप ये पूरा जैसे मैं जितने मैंने आपको कराया ना पहले डेफिनेशन और फिर थ्री की डेवलपमेंट, आप पूरा इसे लिख देंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बाबा बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने पूरा ग्रीन केमिस्ट्री का कंसेप्ट डिस्कस किया कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है और क्या उसका हमारा मेन एम होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।